अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से, और दोपहर के टाइम यहाँ पर हो रहा है लंच, और मैं लंच में खा रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत टाइम बाद बनी थी और बहुत मज़े की लगती है, और बनी भी बहुत मज़े की थी। कोई चीज़ आप बहुत टाइम बाद बनाओ ना तो काफ़ी अच्छी मज़े की बनती है। आप में से किस किस को पसंद है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भगारे हुए जो चावल होते हैं उनके साथ भी बहुत यमी लगती है। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी रिसेंटली इनकी बर्थडे हुई है आयशा नाया की, इनको क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे, तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करती हूँ, वो दिखाती हूँ। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम घरों में प्यार मोहब्बत कायम व दायम रखें, आमीन सुम आमीन। अच्छा तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एक अदद ब्लैक बोर्ड प्लस वाइट बोर्ड, तो ये ट्विन इन वन है, और ये दिया है मेरी आंटी ने आयशा, अनाया, मनाहिल तीनों को ही। उन्होंने फुल बड़े साइज़ का लिया ताकि इनकी लड़ाई ना और सब लिख सकें। तो ये कारपेंटर से जो है हस्बैंड ने लगवा लिया था, कीलों की हेल्प से लगा था, और इसके जो बैक साइड है ना वो है वाइट बोर्ड। अच्छा, वाइट बोर्ड मैंने इसलिए आगे नहीं करवाया क्योंकि आपको पता है वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए ना मार्कर चाहिए होता है, फिर अभी घर में न्यू पेंट हुआ है तो बच्चों का भरोसा नहीं है इधर उधर लकीरें मार दें, तो इस वजह से मैंने ब्लैक बोर्ड रखवाया था। और ये साथ में भाई जो है चौक का डिब्बा भी लेकर आई थी, मैंने कहा चौक का डिब्बा हम ले लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैंने साथ में ले लिया है। और उसके साथ ही उन्होंने दिए हैं टेबल चेयर, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी की और इतनी मज़बूत है कि मैं आपको बता नहीं सकती, वरना आजकल की जो प्लास्टिक है वो इतनी कोई ख़राब आ रही है ना, मतलब हवा जैसी टीन जैसी होती है कि फूंक मारो तो उड़ जाए। और उन्होंने स्क्वायर शेप में लिए क्योंकि स्क्वायर शेप में क्या होता है ना कि आपकी जो स्पेस होती है ना वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होती, ओवल शेप या सर्कल शेप ना काफ़ी ज़्यादा उसको रखने में भी प्रॉब्लम होती है, और उसमें ना इतनी मतलब आप बुक्स कॉपीज कम्फर्टेबल नहीं रखो के रख सकते। और इसके बाद उन्होंने लिए हैं फोर चेयर्स, तो फोर चेयर्स इसलिए ली हैं क्योंकि चेयर्स का पेयर ही मिलता है, टू चेयर्स मिलती थी या फिर फोर चेयर, तो उन्होंने बोला टू चेयर मैं कैसे लेती, फिर मनाहिल रोती, तो इसलिए फिर मैंने जो है फोर चेयर का ले लिया ताकि अगर इनके कोई कज़न वगैरह भी हैं तो साथ में बैठ के पढ़ सकें। और ये सब प्लास्टिक हुआ हुआ था, सब मैंने इसकी प्लास्टिक उतारी है नीचे, इवन जो इनके पाए वगैरह वो सब में भी प्लास्टिक चढ़ी थी, एंड नो डाउट क्वालिटी ऑसम थी, हस्बैंड को मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच आंटी जी। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को शो कर रही हूँ जो आयशा नाया को बर्थडे गिफ्ट मिले थे। अच्छा, थी तो आयशा नाया की बर्थडे, लेकिन साथ में छोटी मनाहिल है ना, उनके भी बड़े मज़े आ गए क्योंकि उनके भी गिफ्ट हैं, जबकि उनकी बर्थडे नहीं थी। अब उनकी खैर से चार महीने बाद दिसंबर में आती है, तो अभी तो मेरी ट्विंस बेटियों की बर्थडे थी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट मिले। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मनाहिल का सूट, और ये मनाहिल को दिया है डैडी ने, जो कि बहुत ही मनाहिल को पसंद है। आपको पता है ना बच्चे जिस पे कार्टून बने होते हैं कुछ इस तरह का लगा हुआ होता है, जिन पे डिस्को चमक सी होती है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके साथ जी ये देखें, इस तरीके से जो है ना ये वाला प्रिंटेड पजामा मिला है, ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा, और ये 20 नंबर है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मनाहिल को भी इनफेक्ट बहुत पसंद आया, बहुत खुश हो रही थी अपना ड्रेस देख के। डैडी ने मनाहिल को भी एक ड्रेस दिया है, और अब मैं दिखाती हूँ आपको आयशा और अनाया के ड्रेसेस। तो ये है एक आयशा का और एक अनाया का, तो डैडी ने बोला कि कोई सा भी किसी को भी पहना देना, तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये वाला शो करा देती हूँ। अच्छा, डैडी जो है ना हमेशा से उनकी आदत है जब भी गिफ्ट देते हैं ना वो थोड़े बड़े ही देते हैं ताकि बच्चे आराम से रख के पहन सकें। देखें ये भी मस्टर्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत सा, और ये भी बड़ा है इन लोगों की, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आएगा बिल्कुल सही। और ये है इसकी शर्ट, मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, सारे ड्रेसेस बहुत ही प्यारे हैं, ये देखें इस पे इस तरीके से बीट्स लगी हुई है, और ये फ्लावर फ्रीडम लिखा हुआ है, ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर बने हुए हैं, और ये 26 नंबर है, ये देखें ये इस तरीके का फुल लुक है, आई होप आप लोग को क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये जी कोई भी एक आयशा पहन लेंगी और एक अनाया पहन लेंगी, अभी तो खैर बड़ा है। और दूसरा जी ये वाला ड्रेस है, ये भी ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन है, ये देखें, और इसके पाइचे पे इस तरीके से बना हुआ ये पजामा है, टाइट्स हैं, ट्राउज़र कुछ भी आप कह सकते हैं वो है, और इसके साथ ये वाली शर्ट है, ये देखें ये भी कितनी खूबसूरत और स्टाइलिश सी, नीचे इस तरीके से इसकी जो है वो बो बन जाएगी, और यहाँ पर ये देखें ये वाली इसकी शर्ट इस तरीके से ऊपर इस तरीके से है और नीचे इस तरीके से है, और ये देखें नीचे कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना येलो ऑरेंज कलर का। जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना तो आइसक्रीम वाले टीन डिब्बे वाले कहाँ से आ जाते हैं, रियली डोंट नो, उनको पता चल जाता है कि इस वक्त इनके घर में जो है ना अफशा वीडियो बना रही है। तो अभी ये गुजर जाए गली से, फिर मैं आगे कंटिन्यू वीडियो करती हूँ।
अच्छा जी, तो आप लोगों ने देख लिए कि जो क्या क्या गिफ्ट दिए थे मेरे आंटी डैडी और भाई ने। तो मेरे मदर इन लॉ को तो टेबल एंड चेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, कह रही थी बहुत अच्छी क्वालिटी की। और आयशा नाया ना काफ़ी दिन से कह रही थी कि हमें बारबी वाले स्टिकर्स भी चाहिए, तो मैंने ये भी नोट डाउन कर लिए थे और मैंने ये भी इनको बर्थडे पर ही दिया। इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि हमारी चीज़ को, हमारी बात को अहमियत दी गई, और फिर उनको पैक करके दोनों तो बच्चे बहुत खुश होते। तो ये आयशा नाया मनाहिल के तीनों के लिए स्टिकर्स ले लिए थे, और इसके अलावा वाटर बॉटल दी थी और मैजिक बोर्ड दिया था। तो ये सब ओपन हो गया था, अभी मैं आपको आगे वाली क्लिप में वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड और मैंने भी आयशा नाया को गिफ्ट दिए थे। तो ये जो है मैंने दिया था वाटर बॉटल, क्योंकि इनको स्कूल की चाहिए थी और बच्चों में ज़रा भी सब्र नहीं होता, इन लोगों ने फौरन पानी भर के और सिप करके देखा। और ये देखें यहाँ से इस तरीके से इसके पीछे जो है यहाँ पर बटन दिया हुआ, इसको पुश करो तो इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो ये कह रही थी अनाया ये जिसमें बने हुए हैं डॉल्स, तो ये वाला मैं लूँगी, तो ये अनाया ने ले लिया है। और ये फ्रूट्स वाला कह रही थी आयशा मैं लूँगी, तो उसने ले लिया। इस पर लिखा हुआ है वह जूजी डे, और ये छोटे छोटे इसके ऊपर फ्रूट्स बने हुए हैं, और सेम ये भी इसी तरीके से ही ओपन होती है। तो ये जी दिया था हम लोगों ने, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ उनकी ज़रूरत की भी, उनके काम भी आ जाए, खुश भी हो जाए। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी, मैंने दिया था ये मैजिक बोर्ड, एक हस्बैंड ने दिया, एक मैंने दिया आयशा नाया को। तो ये देखें इस तरीके से एलिफेंट बना हुआ है, और हमने कहा माशाल्लाह से स्कूल गोइंग हो गई है तो कुछ ऐसा देना चाहिए कि उनके काम भी है और वो इन्जॉय भी करें। तो ये रेड और येलो ले लिया था आयशा के लिए, और ये पिंक और ब्लू ले लिया था अनाया के लिए, कलर्स डिफरेंट करें ताकि भाई इन लोगों की लड़ाई ना हो। तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, और ये जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना तो यकीन करें मुझे जो है ना अपना बचपन याद आता है। तो हम लोगों ने भी बड़ा इसको यूज़ करा है, और ये जो है ना बड़े कारामद होते हैं, बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं ना उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मुझे और हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगा था, इससे पहले भी हम लोग इनको दे चुके हैं लेकिन जब ना छोटे वाले थे, तो अभी हमने थोड़े बड़े वाले लिए ताकि अगर मुझे भी इनको कुछ बताना है, सिखाना हो, तो ईज़िली वो उस पर सीख सकें। तो ये मैजिक बोर्ड दिए थे और वाटर बॉटल ली थी।